हरितालिका तीज व्रत की कथा। श्री सूत जी बोले, जिन पार्वती जी के केस घुंघराले हैं, कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं, तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर धारी रूप भगवान शंकर हैं, उनको नमस्कार है। कैलाश पर्वत सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शिव। हे गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त व्रत की कथा सुनाएं। हे स्वामिनी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप ऐसा व्रत बताने की कृपा करें कि जो सभी धर्मों का सार है और जिसके करने में थोड़ा सा परिश्रम भी हो और फल भी विशेष प्राप्त हो। यह बताने की कृपा कर कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से पूर्ण हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय है, मेरा सर्वस्व है। यह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही मैं इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है, उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इस व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया है और तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादो माह का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, जिसमें हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन यह व्रत अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सब का पूरा व्रतांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था और यह सब, हे महेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से शोभायमान है। अनेक वृक्षों के पंछी वहाँ पर अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं, एवं चित्र विचित्र मृगादि पशु वहाँ विचरण करते हैं। देवता गंधर्व सिद्ध चारण एवं गुहाक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते हैं, गंधर्व गायन करते हैं और मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैडुक माड़ियां, सोने की ऊंची चोटियां, रूपी भुजाओं यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से जैसे अपने कोई मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका है, गंगा नदी की ध्वनि से शब्द शाब्दायमान है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके हुए पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी रही और तप किया, और वैशाख महीने में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्न पान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी इस प्रकार तुम्हें कष्ट में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्री श्रेष्ठ नारद मुनि जी तुम्हें देखने के लिए वहां आए और आध्य आसन देकर हिमालय ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो, बड़े भाग्य से ही आप सभी ऋषियों का आगमन होता है, कहिए आपका शुभागम किस कारण से हुआ है। श्री नारद जी बोले, हे पर्वताराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी कन्या रत्न है, जो योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। इस संसार में बाल इंद्र शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें अपनी कन्या देना उत्तम है, तो मेरी यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवादिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का यही प्रयोजन है, तो
अपनी कन्या मैं उन्हें ही दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। शंख चक्र गदा हस्त पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देव ऋषि नारद तो चले गए और उधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गईं और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखी विलाप देखकर सखी ने कहा, हे सखी पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या हुआ है, मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वह उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ और मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, अब मैं अपनी देह त्याग करूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर वन में पहुँच जाएंगे जिससे तुम्हारे पिता ये जान ही नहीं सकेंगे। और इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी घोर जंगल में चली गईं। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देख कर इधर उधर खोज किया, घर में ढूंढा किंतु ना मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नर में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु भगवान के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की है, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर वह गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण किया है अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट खाया है या सिंह व्याघ ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कहते कहते शोक संताप होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याधि भालू आदि सिंह पशुओं से भरे हुए जंगल में एक दूसरे वन में जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर सी नदी बह रही थी और उसके तट पर एक बड़ी सी गुफा थी जिसमें तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया और खाना पीना त्याग कर वहां तुम मेरी पार्वती युक्त बालुका लिंग स्थापित किया और उस दिन भादो मास की तृतीया तिथि थी, साथ में हस्त नक्षत्र भी था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजा गाजा गीतों के साथ रात में जागरण किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ और उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल मैं वही प्रकट हुआ और तुम अपने सखी के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा, हे वरानने, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा और फिर वहां से अंतर ध्यान होकर कैलाश पर पहुंच गया। इधर जब प्रातः काल हुआ तो तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया और अपनी सखी के साथ में वन से कंदमूल फल आदि खाकर तुमने पारणा किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुंचे और अपना खाना पीना त्याग कर वन के चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ देख उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोद में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याध आदि पशुओं से इस पूर्ण घोर वन में क्यों आई हो। तब श्री पार्वती जी बोली, हे पिताजी, सुनिए, आप मुझे विष्णु जी को देना चाहते थे, आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इसलिए मैं घोर जंगल में चली आई और यदि आप मेरा विवाह शंकर से करेंगे तो ही मैं घर चलूंगी, वरना यहीं पर मैंने रहने का निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा, एवं अस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसा कहने पर भी तुम अपने घर आई और पिताजी ने तब तुम्हारा विवाह विधि विधान से मुझे समर्पित किया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सौभाग्य में वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रत राज का वर्णन नहीं किया था। हे देवी, इस व्रत राज का नाम भी अपश्रवण कीजिए, क्योंकि तुमने अपने सखियों के साथ इस व्रत को
व्रत के प्रभाव से हरी थी, इस कारण ही इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसको करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कौन सा पुण्य मिलता है और किस प्रकार से कौन व्रत को करना चाहिए। ईश्वर बोले, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें केले के स्तंभ रोपित करे, चारों ओर बंधनवार ऊपर वस्त्र बांधे और विविध रंगों के वस्त्र लगाकर मंडप के नीचे की भूमि को अनेक चंदन सुगंधित जल द्वारा लीपे, शंख मृदंग आदि बजावे। और मंडप में मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती से मेरा लिंग स्थापित करके पार्वती के साथ वहाँ स्थापित करे और बहुत पुष्पों के द्वारा गंध धूप दीप से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार की मिठाइयाँ नवेद आदि समर्पित करके रात्रि जागरण करे। नारियल फल सुपारी मुसम्मी नींबू वकुल बीज नारंगी एवं सभी ऋतु पर अनुसार बहुत से फल, उत्तम ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ाए। यह मंत्र यह है, शिव शांत शिव पंचमुखी शूल नंदी प्रिंगी महाकाल गड़ो से युक्त शंभु आपको नमस्कार हो। शिवा शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु पार्वती सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार हो। हे शिवे नित्य कल्याण कारणी जगदम्बे शिव स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री हो, सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा करें। हे महामय महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए मैंने आपकी यह पूजा की है वह कामना आप मेरी पूर्ण करें। राज्य सौभाग्य में संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों के साथ प्रार्थना द्वारा तुम मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा का श्रवण करें। बहुत सारा अन्न धन वस्त्र आदि देकर यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दे एवं अन्य ब्राह्मणों को भूस दक्षिणा आदि देकर स्त्री को आभूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से यह सर्वे श्रेष्ठ व्रत को करती है और सुनती है, उसके सभी पापों का विनाश होता है। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो नारी भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन व्रत नहीं धारण करती है, आहार ग्रहण कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बाध्य रहती है। जन्म जन्म में विधवा हो जाती है, दरिद्रता पाकर अनेक कष्टों को उठाती है। उसे पुत्र शोक नहीं छोड़ता है और उपवास नहीं करती है, घोर नरक में जाती है। अन्न के आहार करने से सुकरी जन्म मिलता है, फल खाने से बांडरी, जल पीने से जोंक, दुग्ध आहार करने से सर्पणी, मांस से व्याघ्री और दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खाने से चींटी और सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी। शिव जी बोले, इसी कारण से सभी स्त्रियों को यत्न पूर्वक सदा इस व्रत को करते रहना चाहिए। कोई भी स्त्री हो इस व्रत को कर सकती है। सोने चांदी एवं बांस के बने मिट्टी के पात्र में अन्न रखें और फल दक्षिणा आदि के साथ यथा पूर्वक विद्वान ब्राह्मण को दान करें। उसके बाद पारण करें, भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सा आनंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ एवं 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको यह श्रेष्ठ व्रत महात्म सुनाया, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान शिव, माता पार्वती की जय हो।